हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सतीश भालेराव। आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो अपने चैनल पे बहुत कमेंट आए थे कि निकॉन कैमरे के बारे में कुछ बताइए, उनकी सेटिंग, उनकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि निकॉन, कैनन और सोनी, ये तीनों भी जो कैमरे हैं उनके लगभग सेटिंग एक ही होता है, एक ही शटर स्पीड है, अपर्चर है, ISO है, एक्सपोजर है, फ्लैश एक्सपोजर है, बाकी की कुछ छोटी बड़ी सेटिंग होती है वो भी सब सेम होती है, और लेंस भी काफ़ी सेम सेम होते हैं। एपर्चर में कुछ लेंस फिक्स लेंस है, जो लार्ज एपर्चर के कोई वाइड एंगल लेंस है उसका 5.6 एपर्चर शुरू होता है। तीन ही कैमरा में सेम ही होता है। तो ये कैमरा है निकॉन का 5200 है। ये जो कैमरे है 5300, 3300, 5200, 5300, 5500, ये जो सीरीज है 7200 के अंदर, 7000 के अंदर, ये सारे कैमरे की सेटिंग्स सेम ही होती है और सेम ही बटन इंफॉर्मेशन है उनकी। तो आप ये कैमरे की इंफॉर्मेशन जब जानेंगे तो सारे कैनन कैमरे के, अपने निकॉन कैमरे की सारी इंफॉर्मेशन सब पता चल जाएगी आपको। और इसको पहले ये जो शटर बटन है इसे फोटो जो खींच जाता है इसे ऑन ऑफ किया मैंने। पहले मैं इसका बटन के बारे में सब सारे बटन की इंफॉर्मेशन देता हूँ और बाकी की फिर अंदर की मेनू की सेटिंग सब समझा देता हूँ। तो ये शटर बटन से कैमरा ऑन ऑफ होता है, और ये एक्सपोजर बटन है, काफ़ी सबसे यूजफुल बटन है एक्सपोजर का बटन, इंपॉर्टेंट बटन। कैमरा का भी यही माना जाता है कि एक्सपोजर का बटन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन का बटन है इसे डिस्प्ले आ जाता है, ये देखिए, इसे इंफॉर्मेशन का बटन प्रेस किया तो कैमरे के डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन सब आ जाती है। और ये टाइमर का बटन है, यहाँ से टाइमर लगा कर आप फोटो खींच सकते हो। ये सेटिंग भी बताता हूँ अंदर से। और कंटिन्यू शटर क्लिक करने के लिए भी ये ऊपर का जो बटन है यहाँ से यूज़ हो जाता है। और लाइव स्क्रीन से आप देखना चाहते हो तो ये मोड, जो मेन डायल है मोड की, यहाँ से एक खटकी दी है, यहाँ से आप लाइव पे जा सकते हो। ये देखिए लाइव आ गए यहाँ पर। यहाँ से लाइव क्यों जरूरी है, लाइव से ज़्यादा बैटरी ख़त्म हो जाती है, लाइव नहीं यूज़ किया तो अच्छी बात है। और लाइव जाना पड़ता है कि कभी जो लो लाइट होती है वहाँ से एक्सपोजर जब पता नहीं चल जाता है तो आप लाइव जाके देख सकते हो कि एक्सपोजर कितना आ रहा है, मुझे इमेजेस कैसी मिल रही है, वाइट बैलेंस कैसा है। इसीलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वाइट बैलेंस, कलर बैलेंस मैनेज करने के लिए तो लाइव पे पहले देख ले सकते हैं, उसके बाद में ही उसकी सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं वो कर सकते हो। और आगे आ जाते हैं कि मेन डायल पे जो ये जो मोड का जो कॉर्नर दिया है, ये मोड, यम मोड, ए मोड, एस मोड और पी मोड, इसका मतलब क्या है? यम मोड मैनुअल मोड है, यानी कि जो कैमरे की सारी जो सेटिंग है वो मैनुअल कर सकते हो आप। और जो ये मोड दिया है एपरेचर मोड है, एपरेचर पे क्या होगा कि एपरेचर आपके हाथ में कंट्रोल में, आप एपरेचर कितना चाहिए, आपने जो सब्जेक्ट होता है उसमें कितना डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, तो इसके लिए एपर्चर मोड पे आप फोटो खींच सकते हो। एपर्चर सेट करना है कि 1.8 पे एपर्चर किया तो सबसे ज़्यादा इमेज का आगे पीछे वाला भाग ज़्यादा ब्लर जाएगा, तो ये एपर्चर सबसे काम पे आ जाता है कि एपर्चर मोड ही सबसे काम पे आ जाता है और एपर्चर मोड पे ही फोटो खींचना चाहिए। यस मोड है, उसमें शटर अपने कंट्रोल में रहता है, बाकी की सेटिंग कैमरा कर लेता है। और जो ऑटो मोड है, ऑटो मोड पे तो कैमरा कौन सा भी ऑटो सेटिंग ले लेता है। और जो लाइट नहीं मिल पाती है तो कैमरा डायरेक्ट ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन कर देता है। देखिए अभी ये फ्लैश का बटन है, यहाँ से आप फ्लैश ऑन कर सकते हो। और ये FN बटन है, यहाँ से फंक्शन सेटिंग आप कौन सी भी एक सेटिंग मैनुअल इस फंक्शन मोड पे लगा सकते हो। ऑटो सिलेक्शन होता है यहाँ से ISO। तो ये जो है मेन डायल, इसमें दिखा रहा है कि 1/200, ये शटर स्पीड है, शटर स्पीड इस रिंग से आप चेंज कर सकते हो ये मेन डायल से। ओके, फ्लैश ऑन कर देता है, फ्लैश ऑन किया तो 200 के आगे शटर स्पीड नहीं जाएगा, ताकि हाफ शटर पड़ जाता है। आप मैनुअल यहाँ पर, मैनुअल हॉट शो पर एक कोई भी मैनुअल फ्लैश लगा देंगे तो शटर स्पीड आगे जाएगा लेकिन हाफ शटर पड़ेगा। इस कैमरा का फ्लैश शटर स्पीड 200 ही है, 150 के ऊपर आपको जाना है तो हाई स्पीड सिंक्रो वाला फ्लैश यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपका शटर स्पीड आगे जाएगा। यानी कि मैनुअल पे फ्लैश ऑफ करने पे आप 4000 सेकंड पर भी फोटो खींच सकते हो, इसका शटर स्पीड 4000 तक दिया है। तो ये मेन पीछे की डायल है, यहाँ से शटर स्पीड चेंज कर सकते हो।
और एपर्चर चेंज करना है, ये एपर्चर F5.6 है। यहाँ से ये एक्सपोजर का जो बटन है प्लस माइनस बटन दबा के ये प्रेस करके आप ऐसे पीछे रिंग का इस्तेमाल करके एपर्चर चेंज कर सकते हो। एपर्चर जितना खुलेगा उतना कैमरा में ज़्यादा लाइट आ जाती है और इमेजेस में डेप्थ ऑफ फील्ड भी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है इमेजेस, यानी कि पीछे और आगे वाला भाग सबसे ज़्यादा ब्लर जाता है ज़्यादा एपर्चर पे। और ISO चेंज करना है तो ये फंक्शन का बटन प्रेस करके आप ऐसे ISO चेंज कर सकते हो, 1/3 से 1, 2, 3 200, 1, 2, 3 400, 1, 2, 3 800 ऐसे ISO चेंज कर सकते हो। और इसके डिस्प्ले पर जाना है तो आई बटन प्रेस किया इंफॉर्मेशन पे, और ये ऐसे जो डायल है यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये इमेज क्वालिटी है। इमेज क्वालिटी में जितनी ज़्यादा इमेज क्वालिटी रहेंगी, जैसे कि ये रॉ फाइल है, रॉ फाइल का JPG में कैसे कन्वर्ट करना है तो ये वीडियो अपने चैनल पर है, आप देख सकते हो। काफ़ी इमेजेस ज़्यादा शार्प आ जाती है और डिटेल भी अच्छे मिल जाते हैं रॉ इमेजेस पर। तो ये जो बेसिक है, बेसिक में इमेज साइज यहाँ देख सकते हो आप, ये जो कॉर्नर दिया है 3.9 UMB का फोटो होता है बेसिक पर। JPG नॉर्मल पे क्या होता है कि इमेज साइज इमेज क्वालिटी कम होती है। जितनी ज़्यादा साइज रखेंगे उतनी इमेज में डिटेल अच्छे मिल जाएगी आपको। ये रॉ है, रॉ प्लस बेसिक है, रॉ प्लस नॉर्मल है और रॉ प्लस फाइन है। अगर आपको दोनों भी इमेजेस एक साथ में चाहिए तो आप रॉ प्लस JPG सेलेक्ट कर सकते हो, रॉ प्लस फाइन JPG में, फाइन मतलब JPG में आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसी सेटिंग भी रख सकते हो JPG प्लस रॉ। और ये इमेज साइज है ये लार्ज ही रखना है, जितनी आप कम करोगे तो उसकी जो मेगापिक्सल है वो कम होते जाएंगे, इसलिए आपको इमेज साइज ये लार्ज ही रखना है, आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और ये जो BKT दिया है तो यहाँ से इधर चित्र दिया है इसका, तो इसमें से आप ये ब्रैकेटिंग मोड है, यानी कि आप कितने स्टॉप तक लाइट कम करना चाहते हो, कम या ज़्यादा करना चाहते हो, उसमें से ब्रैकेटिंग की यूज़ किया तो उसमें तीन डिवाइडेड होते हैं। पहली इमेजेस आपको डार्क मिलेगी, एक स्टॉप अंडर मिलेगी, दूसरी इमेजेस राइट मिलेगी, तीसरी इमेजेस ओवर एक्सपोज मिलेगी। ऐसे तीन ब्रैकेटिंग की से आप इस्तेमाल कर सकते हो और तीनों मिला के एक HDR इमेजेस बन जाती है, इसीलिए ये ऑटो ब्रैकेटिंग ऑटो रिसेट भी हो जाता है एक फोटो खींचने के बाद। ये ऑन किया ऐसा, ये एक्टिवेट डी लाइटिंग है, डी लाइटिंग ऑफ रखेंगे तो ही आपको इमेजेस अच्छी मिल पाएगी, यानी कि जो एक्सपोजर इमेजेस आती है उसको और कैमरा ज़्यादा ब्राइट कर लेता है थोड़ा सा। इसमें इमेजेस भी देख सकते हो कि कितना कर लेता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ से लो डे लाइट ऑप्शन है और यहाँ से नॉर्मल है, हाई एक्स्ट्रा हाई और ऐटो है। ऐटो पे रखिए या तो ऑफ रखिए। और ये वाइट बैलेंस है, वाइट बैलेंस 90% तक ऐटो पे सही आ जाता है, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड आपका ज़्यादा कलरफुल हो, कोई अलग अलग कलर एक दूसरे के ज़्यादा अंदर हो गए तो कलर बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आपको वाइट बैलेंस अच्छा चाहिए तो इसको एक तो कस्टम वाइट बैलेंस सेट करना चाहिए। इसको तो केल्विन वाइट बैलेंस तो दिया नहीं है, केल्विन टेम्परेचर से, ठीक है। तो बाकी के जो एडवांस कैमरे होते हैं फुल फ्रेम के कैमरे, उसको ही केल्विन वाइट बैलेंस दिया रहता है, लगभग 1000 से 10000 तक केल्विन वाइट बैलेंस रहता है, तो उसमें जो चाहिए वो कलर राइट कलर बैलेंस मिल जाता है। तो इसमें डायरेक्ट इमेजेस दिया है वाइट बैलेंस का, ठीक है। तो ऐसे आप जो चाहिए वो वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 90% तो मैं यूज़ करता था वो ऐटो यूज़ करता हूँ, या नहीं तो मतलब कि अभी जो प्रोफेशनल कैमरे है उसको तो मैं किलोन वाइट बैलेंस से ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको ये कैमरा जब यूज़ करता था तो उसको मैं कस्टम व्हाइट पेपर पे फोटो खींचकर वो कस्टम व्हाइट बैलेंस सेट करके फुल
फोटो खींचता था, ठीक है। और आगे थे ये आईएसओ तो बता दिया, और ये जो पिक्चर स्टाइल है शायद, हाँ ये पिक्चर स्टाइल है, सेट पिक्चर कंट्रोल्स, इसमें से स्टैंडर्ड ही रखिए। स्टैंडर्ड पे काफ़ी कलर कम मिल जाते हैं, एडिटिंग करने के बाद आपको जैसे चाहिए वैसे कलर मिल जाते हैं। अगर कैमरे से ज़्यादा छेड़छाड़ की तो होता क्या है कि कैमरा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में कलर दिखाई देगा, लेकिन जब डिस्प्ले पे लेगा तो और ज़्यादा कलर दिखाई देगा। जब आपका न्यूट्रल फोटोग्राफी करते हो बाहर की, तो न्यूट्रल रख सकते हो, और जो आपको ज़्यादा कलर चाहिए, कोई फूल वगैरह का फोटो खींच रहे हो तो आपको ज़्यादा कलर में चाहिए तो व्यूड के में रखिए। और ये माइक्रोक्रोम है जो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, और ये पोर्ट्रेट है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना है तो आप कस्टम में एक पिक्चर स्टाइल सेट करके रखिए, नहीं तो स्टैंडर्ड पे ही रखिए, स्टैंडर्ड पे ही अच्छा रहता है। और ये फोकस मोड है, फोकस मोड पे दोन कॉम्बो दिया है, एट्टो सर्वो ईएफ, यानी कि रनिंग के भी फोटो और स्टिल भी फोटो, ये दोनों भी फोटो आप इस मोड पे खींच सकते हो। अगर आपके जब स्टिल फोटोग्राफी करते हो या स्टूडियो में, आउटडोर में, इंडोर में, अब आप एक ही जगह पे फोटो खींचना चाहते हो, स्टिल फोटो खींचना चाहते हो, तो आप ये सिंगल सर्वो ईएफ रखिए, मतलब कि सिंगल फोकस रखिए। यहाँ पर मैनुअल फोकस होता है, सिंगल फोकस कंटिन्यू किया जाता है, और यहाँ पर मैनुअल फोकस है। मैनुअल फोकस करना है तो जो रिंग लेंस होती है, यहाँ से आप मैनुअल, यहाँ सेलेक्ट किया तो मैनुअल फोटोग्राफी भी कर सकते हो। तो ये होता है फ्लैक्स कॉम्पोजिशन, मतलब कि फ्लैक्स एक्सपोजर। यहाँ से ये जो फ्लैश लगाएंगे, आपका ऊपर का फ्लैश है, ठीक है, जो कैमरा का इनबिल्ट फ्लैश है या एक्सटर्नल आपने टीटीएल भी फ्लैश लगाए, तो इसका इंटेंसिटी आप वन स्टॉप से ऐसे